उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना और उसके बाद पीड़िता की मौत मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इसी को लेकर रादौर में भी विभिन्न संगठनों द्वारा जहां रोष मार्च निकाला गया, वहीं इस रोष मार्च के समापन पर कैंडल जलाकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभी संगठनों ने सरकार से आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इस अवसर पर दलित संगठनों के एक सदस्य विपिन वाल्मीकि ने कहा कि इस घटना से पूरे दलित समाज में गुस्सा है, जिसको लेकर ही यह रोष मार्च निकाला गया है। उन्होंने कहा कि इस दरिंदगी पर आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ का नारा दे रही है, लेकिन बेटियों के साथ की जा रही ऐसी दरिंदगी इन नारों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सरकार परिवार को उचित मुआवजे के साथ ही किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दे। जो दुष्कर्म किया है और उसकी रीढ़ की हड्डी और नाड़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके बाद वो बहुत दर्दनाक हालत में दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल में जिसने दम तोड़ा है, हम उसके रोष प्रदर्शन कर रहे हैं उस लड़की के लिए। क्या कुछ मांग? मांग हमारी यही है कि उन जो जिन दरिंदों ने यह अत्याचार किया है उनको फांसी की सजा मिले, और योगी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप एक तरफ से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो आपने नारा लगाया है, वो हमें तो कहीं नहीं लगता कि वो कहीं पर सक्सेसफुल होते दिख रहा है। जब बहुजन समाज की लड़कियाँ और लड़के, पहले रमन वाल्मीकि को जो जेल के अंदर मार दिया गया, उसके बाद अब ये जो हमारी मिनीषा वाल्मीकि बहुजन समाज की लड़की है, इसके साथ अत्याचार करके और बलात्कार करके बहुत बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया है हमारी, और प्रेस के आपसे आप प्रेस के मुताबिक से यही संदेश है कि उन लोगों को फांसी दी जाए और उनके घरों को कोई अच्छा मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। अगर सरकार इस चीज़ को अनदेखा करती है तो ये बहुजन समाज सड़कों पर उतरने पर मजबूर होगा और वो आंदोलन होगा, शायद ये सरकार हिल जाएगी।